विकास नगर की तिमली रेंज में गोलियों की आवाज और शिकार होने की चर्चा में वन महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विकास नगर की तिमली रेंज में गोलियों की आवाज और शिकार होने की चर्चा तेज से फैल रही है और वायरल वीडियो में जंगल में वन्य जीवों के अवशेष पाए जाने का भी दावा किया जा रहा है। वहीं अब सोशल मीडिया पर जारी इस वीडियो को भ्रामक प्रचार बताते हुए तिमली रेंज के रेंजर मुकेश कुमार ने बताया कि रिजर्व फॉरेस्ट के भीतर वन विभाग की टीम 24 घंटे गश्त करते हुए निगरानी रखती है। रेंजर ने बताया कि वायरल वीडियो में कोई भी सच्चाई नहीं है, साथ ही आरक्षित वन क्षेत्र में कहीं भी शिकार या गोली चलने जैसी कोई भी घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि झूठी खबर का वीडियो वायरल करने वाले लोगों पर वन विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर तिमली वन क्षेत्र से संबंधित अवैध शिकारियों और गोली चलने की घटनाओं से संबंधित अफवाह फैलाई जा रही है। अवगत कराना है कि ये एक भ्रामक सूचना है। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई घटना घटित नहीं हो रही है। वन विभाग द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए जांच की गई है, जिसमें कि ये तथ्य गोली चलना, शिकार और शिकारियों से संबंधित सभी सूचनाएं असत्य पाई गई हैं। हमारे द्वारा क्षेत्र में लगातार टीमें तैनात की गई हैं, जो कि अवैध शिकार की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम हेतु नियमित रूप से गश्त करती हैं और संपूर्ण शीतकाल और शीतकाल के उपरांत भी पूरे क्षेत्र में सघन गश्त की जाती है।